का। शक्ति के जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय में हुआ कार्यक्रम महिलाओं और बच्चों का। सूरजपुर में कार्यकर्ताओं ने तहसील ऑफिस का किया घेराव, जमकर की गई नारेबाजी। जांजगीर चांपा में कचहरी चौक पर आरक्षण को लेकर प्रदर्शन, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का फूंका गया पुतला। बैकुंठपुर में ग्रामवासियों ने तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन, जर्जर रोड से ग्रामवासी परेशान। कोरबा में तालाब में निर्माण कार्य को पहुंचाया नुकसान, उप सरपंच के पति ने सरपंच के साथ किया झगड़ा। नमस्कार, देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ की खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। सीएम भूपेश बघेल का गरियाबंद जिले में भेंट मुलाकात का दूसरा दिन था, तो वहीं कुलेश्वर महादेव की पूजा अर्चना के बाद सीएम सीधे देवभोग पहुंचे, जहां पहुंचते ही सीएम ने 7.42 करोड़ लागत के वन उपज लघु उत्पाद पार्क का लोकार्पण किया। सीएम ने देवभोग को नगर पंचायत बनाने का ऐलान किया। वहीं ग्रामीणों की मांग पर झाखरपारा को उप तहसील बनाने और सीनापाली में सहकारी बैंक की शाखा खोलने का ऐलान किया। यहाँ किसान के, मजदूरों के, गौपालकों के आय में लगातार वृद्धि हो रही है, शिक्षा का भी स्तर में सुधार हो रहा है, ये अच्छी बात है। सर, हीरा खदान को लेकर क्या कहेंगे सरकार? हीरा खदान तो हाई कोर्ट में है और स्टे कोर्ट जो फैसला करेगी उसके आधार पर आगे कार्रवाई होगी। शक्ति में जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय में पुलिस अधीक्षक एमआर आहिरे के आदेश पर गायत्री सिंह के मार्गदर्शन में महिलाओं पर होने वाले अपराध, लिंग भेदभाव और महिला सुरक्षा, साइबर क्राइम, मोटर व्हीकल एक्ट की जानकारी दी गई। इसके साथ ही पुलिस मुख्यालय रायपुर द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए अभिव्यक्त ऐप के बारे में बताया गया और साथ ही छात्र छात्राओं से अभिव्यक्त ऐप को डाउनलोड कराया गया। इस ऐप के माध्यम से संकट में फंसी महिलाएं और बच्चों को तुरंत सहायता मिलेगी। जांजगीर चांपा में युवा सूर्यवंशी समाज के युवाओं ने जिला मुख्यालय के कचहरी चौक पर आरक्षण को लेकर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि अनुसूचित जाति वर्ग के 16% आरक्षण को बनाए रखने के लिए प्रदर्शन हुआ है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया और पीएचई मंत्री गुरु रुद्र कुमार का पुतला दहन किया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारी युवाओं और पुलिस के बीच छीना झपटी हुई। वहीं 5 सूत्री मांगों को लेकर महामहिम राज्यपाल के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। अभी भूपेश सरकार द्वारा हमारे अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को 13% आरक्षण दिया है, जबकि घटाकर 13% आरक्षण दिया है। उसके विरोध में पूरे प्रदेश भर में हर एक जिले में लगातार समस्याओं को लेकर ज्ञापन के माध्यम से, उग्र आंदोलन के माध्यम से लगातार उन सरकार तक आवाज़ पहुंचाने का प्रयास है हमारी। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं करते तो आने वाले समय में हम लोग मंत्रालय का घेराव भी करेंगे और हमारा संवैधानिक अधिकार है 16% आरक्षण देना, उसी को लेकर हम लोग आज नगर के जांजगीर मुख्यालय में युवा सूर्यवंशी समाज और एवं अनुसूचित जाति वर्ग के द्वारा यहां पे पुतला दहन किया गया है। ये युवा सूर्यवंशी समाज के द्वारा जो मुझे ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है, इसमें SC वर्ग के द्वारा जो 16% आरक्षण की मांग की गई है उसके बारे में इसमें जानकारी लिखी गई है। मैं नायब तहसीलदार जांजगीर से आज ज्ञापन मैंने स्वीकार किया है और उसको उच्च अधिकारियों को मैंने प्रस्तुत किया। धन्यवाद। ठीक है, ज्ञापन इसके माध्यम से हमारा आरक्षण का दावा थी। कितना परसेंट आरक्षण था पहले और अब कितना है? हमारा 16% आरक्षण था, उससे कटाकर 13% कर दिया गया, उसको हम पूरा चाहते हैं। इसी के संबंध में आज ज्ञापन और पुतला दहन किया गया।
बैकुंठपुर के उरुदुगा के सड़कों का बुरा हाल है, जिसको लेकर आज ग्रामीणों का विरोध जताते हुए तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया और जल्द से जल्द रोड को डामरीकरण कराने की मांग की गई। कई वर्षों से रोड के जर्जर हालात से ग्रामीण और छोटे स्कूली बच्चे परेशान हैं, तो वहीं शासन या प्रशासन इन ग्रामीणों की सुध नहीं ले रही है। आज कई वर्षों से जो अपना उरुदुगा पहुंच मार्ग है, जो अभी जोएनएच बाईपास रोड बना है, नहर तिराहा से जुरुमदुगा रोड गुजरती है, उसका हालत कई सालों से ख़राब है। उसमें जितने यातायात करने वाले हमारे जितने भी जनसंख्या है, आबादी है, वो सबको बहुत परेशानी होता है। स्कूली बच्चे उसमें आते जाते हैं, हमेशा उठते गिर पड़ते हैं, और उसमें हमारे मातृशक्ति भी मार्केट आते हैं, उन लोग भी आते हैं, तो बाइक से भी गिरने का संभावना रहता है। इस संबंध में हमने आज बैकुंठपुर तहसीलदार साहब को रोड के मामले में अपन लोग ज्ञापन दिए हैं। गौरेला पेंड्रा में 11 साल बाद भी आंगनबाड़ी भवन नसीब नहीं हुआ, तो वहीं शौचालय निर्माण का कार्य भी अधूरा पड़ा हुआ है, जिसके चलते शौच जाने को मजबूर हैं। बता दें, ग्राम पंचायत की मेहरबानी से एक छोटे कमरे को आंगनबाड़ी संचालित करने को मजबूर है, जहां पर लोग गैस के चूल्हे में जान को खतरे में डालकर खाना भी वहीं बनाते हैं और खिलाते भी वहीं हैं। बहुत ज़्यादा हो रहा है सर, वहाँ से हम लोग बहुत दूरी से लाते हैं बच्चे, रोड के उस पार से और बस स्टैंड और इधर बिजली ऑफिस से हैं, तो बच्चे छोटे छोटे रहते हैं, पैदल चल नहीं पाते। मैं आवेदन दे चुकी हूँ, वो बोलते हैं कि शासकीय जमीन नहीं है तो भवन नहीं बन रहा है। विभाग क्या बोलता है? विभाग तरफ से भी बोला जा रहा है कि जगह ढूंढ के दीजिए करके तो बनेगा। खेत में जाना पड़ता है, खेत में जीव जंतु सांप बीछी का भी डर है, अब उनको मजबूरन जाना पड़ता है। यहाँ पर ऐसा व्यवस्था बहुत जरूरी है, इस पंचायत भवन के पास ये बहुत बड़ी लापरवाही है। पंचायत को समझना चाहिए, सरपंच जवाबदार, प्लस सभी मैं पंचों से भी कह रहा हूँ, जो मोहल्ले वार्ड पंच हैं सब इनको जानकारी दें। और ये बना हुआ है जो पंचायत के बगल में शौचालय, साल भर हो गया करीब, इसको शुरुआत भी नहीं किया जा रहा है, उसको शुरू कर देते उसी में कम से कम अभी व्यवस्था बनता। हमारी सरकार माननीय भूपेश बघेल की सरकार निरंतर अच्छा कार्य कर रही है, और इस तरह की समस्या कहीं पर आ रही है तो हम निश्चित तौर पर जिला प्रशासन को अवगत कराएंगे, ताकि ये इन समस्याओं का निवारण जल्द से जल्द हो सके। इसको मैं कल ही दिखवा लेता हूँ, और जमीन की क्या समस्या है उसके हिसाब से फिर सरपंच और सचिव के थ्रू वहाँ से डिमांड मंगा के हम CDPO को भेजते हैं। सूरजपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में तहसील ऑफिस का घेराव किया है, साथ ही चक्का जाम किया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री और तहसीलदार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। दरअसल यह पूरा मामला भाजपा जिला उपाध्यक्ष पुष्पा सिंह के सरकारी जमीन पर कब्जा से लेकर जुड़ा हुआ है। आरोप है कि तहसीलदार के द्वारा पुष्पा सिंह को सरकारी जमीन पर कब्जा किए जाने को लेकर नोटिस जारी किया गया था, जिसमें उन्होंने 6 दिसंबर तक तहसील कार्यालय में उपस्थित होकर अपना जवाब पेश करना था, लेकिन जवाब पेश करने की तारीख के पहले तहसीलदार ने कथित तौर पर कब्जा किए गए जमीन पर निर्माण को गिरा दिया, जिसको लेकर भाजपाइयों में जबरदस्त आक्रोश है। पुष्पा सिंह स्वयं यहां पर कोर्ट में उपस्थित हुई और माननीय तहसीलदार से मैंने कहा, मैं उपस्थित हो चुकी हूं, मेरा जो प्रकरण है उस पे आप आज की मेरी उपस्थिति ले लें। उन्होंने कहा, पहले तो देखा, इसके बाद कहा आपका प्रकरण खोजा जा रहा है। इसके बाद काफ़ी एक घंटा जब मैं बैठी रही वहाँ पे, फिर पुनः मैं जाती हूँ अपने माननीय वकील साहब के साथ, थलेश्वर भैया के साथ, फिर बोलते हैं सर कम से कम आज की डेट जो है आप उस पर इनकी आ गई हैं, उपस्थित हैं, आप उनकी उपस्थिति ले लो। तो उन्होंने कहा कि इस प्रकरण में हमने कार्यवाही कर चुके हैं। मैं उनसे निवेदन की, सर आज जब 6 तारीख था, 6 तारीख को आपने मुझे यहाँ पर जवाब देने को कहा था, मैं अपना जवाब लिख कर यहाँ पर आई हूँ। और उन्होंने कहा कि मुझे आप मत सिखाओ, आप राजनीति मत करो। विजय निवास पे जो भूमि अतिक्रमण किया गया है उसे हटाने की कार्रवाई की गई थी, क्योंकि वह जगह डिस्ट्रिक्ट जज निवास के लिए आवंटित है, इसलिए कार्रवाई किया जाना जरूरी भी था, जिस पर डिस्ट्रिक्ट जज का निवास बनेगा, क्योंकि उसमें विधिवत हमने प्रकरण दर्ज करके कार्रवाई की हुई थी और अनावेदक को जवाब का अवसर भी प्रदान किया था, परंतु अपने समय पे वो उपस्थित ना होकर उन्होंने आज कोई लेटर दिखाया जिसमें उन्हें आज की डेट दी हुई है उसे लेकर वो हाजिर हुई। मुझे लग रहा है वो लिपि की त्रुटि का कुछ मामला रहा होगा, जिसकी मैं जांच करवा रहा हूँ, और उन पर विधिवत हमने जब वो उपस्थित नहीं हुई थी, हमने चस्पा नोटिस भी दीवार पर लगवाया, जिसमें 3 दिन का समय दिया था, जिसकी वीडियोग्राफी भी करवाई थी हमने, और वो हमारे पास अवेलेबल है।
कमी में शासन ने पशुओं को संरक्षण देने के लिए गौशाला को संचालित कर रही है, जिसमें लावारिस पशुओं के साथ गांव के पशु को भी गौठान के माध्यम में सुरक्षित रखा जा सके, साथ ही गांव की बेरोजगार महिलाओं को रोजगार मिल सके। लेकिन इसके बाद भी हालात नहीं सुधरी और मुख्य मार्ग पर सैकड़ों आवारा पशुओं के जमवाड़े से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है। रात होते ही वाहन चालकों में दुर्घटना की बनी रहती है, तो वही गौठान में न तो कहीं चारा है ना ही पानी, और चारों ओर आवारा पशु के किसानों के साथ राहगीर को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। एरिया में अक्सर देखा जाता है कि बीच रोड में गायों का ढेर लगा रहता है, गाय मवेशियों का, जिसके लिए हम लोग सर्वे करवा रहे हैं और मकान मालिक की मतलब जांच पड़ताल करवा के उसमें टैग लगवाया जा रहा है। अगर ऐसी अप्रिय घटना किसी के साथ घटती है तो पशु मालिक के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। मुख्य विषय है कि जो गाय का मालिक है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि गाय के मालिक उसको सड़क पर छोड़ देते हैं। पशु क्रूरता अधिनियम बना हुआ है, जिसमें गाय को सड़क पर छोड़ना, खुले में रखना अपराध है। उस पर कार्रवाई करने का अधिकार नगर पंचायत एवं पुलिस दोनों को है, इसलिए पशु क्रूरता अधिनियम में कार्रवाई होगी, तब जाके सुधरेंगे। कोरबा में पिछले दिनों प्राइम टीवी के संवाददाता ने ग्राम सुपा तराई के उप सरपंच और उनके पति द्वारा किए गए उत्पाद को दिखाया गया था। आपको बता दें कि तालाब के पचरी को तोड़फोड़ कर निर्माण कार्य का नुकसान पहुंचाया गया था। उप सरपंच पति ने सरपंच के साथ झगड़ा किया, जिसके बाद उन्होंने कहा कि मीडिया में शिकायत करते हो। इस घटना की शिकायत सरपंच पति संतराम द्वारा पुलिस में किया गया। पुलिस घटना की जाँच कर रही है। मैं कंवर समाज के मुखिया होने के नाते मैं टीआई साहब से कुछ बात करने आया था। टीआई साहब अभी मीटिंग भेज ले नहीं हो पाया, और हमारे चार छह लोग सरपंच भी आए हैं। आने वाले समय में अगर ऐसी अन्य जाति के लोग द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, या हमारे आदिवासी सरपंच को किसी प्रकार से काम के लिए मतलब रोका जाता है, तो हम आने वाले समय में देखते हैं ऊपर तक कि हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन हमारे सरपंच को हम कभी प्रताड़ित नहीं होने देंगे। आए दिन फोटोगिर गोस्वामी के द्वारा प्रताड़ित करते रहते हैं सरपंच महोदय को, साथ ही साथ मुझे भी जान से मार देने की धमकी दिया जाता है उसके द्वारा। ये लोग 25 तारीख को मेरे पूरा वायरल कर दिया गया था दिलचस्पी में, जितना भी चैनल था 28-29 चैनल में, कि एसडीएम को दिया गया था मेरे खिलाफ में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था, तो मैं भी उनको यहाँ दिया थाना में। सूरजपुर में भाजपा और भाजपा युवा मोर्चा ने अग्रसेन चौक पर प्रदेश की सरकार कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, तो वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पुतला दहन किया गया। भाजपा के पदाधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार झारखंड पुलिस के साथ मिलकर भानु प्रतापपुर के प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम के षड्यंत्र खराब करने की कोशिश कर रही है। भानु प्रतापपुर के प्रत्याशी ब्रह्मानंद के अपमान को समस्त आदिवासियों को अपमान बताते हुए भाजपा और भाजपा युवा मोर्चा के अग्रसेन चौक पर प्रदर्शन सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और प्रदेश सरकार का पुतला दहन किया गया। दहन किया गया है, ये भूपेश बघेल की सरकार का पुतला दहन किया गया है। जो अभी हमारा उपचुनाव जो हुआ है छत्तीसगढ़ में, षड्यंत्र के तहत छत्तीसगढ़ की सरकार ने और झारखंड की सरकार ने दोनों ने मिलकर के जो षड्यंत्र किया, उसका जो पर्दाफाश हुआ है, और झारखंड के लोग आकर के ब्रह्मानंद नेताम को गिरफ्तार करना चाहते थे, पर वहाँ की हाईकोर्ट ने उसको स्टे दिया और ये बात बताया कि ब्रह्मानंद इस केस में है ही नहीं। जो भूपेश बघेल जी के माध्यम से, भूपेश बघेल की सरकार के माध्यम से एक भारतीय जनता पार्टी को, उसके प्रत्याशी को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया गया था, वो आज भूपेश बघेल की सरकार कटघरे में खड़ी है। और आज इसके लेकर के हमारे आदिवासी मोर्चे के माध्यम से, हमारे युवा मोर्चा के माध्यम से, हमारी पार्टी के माध्यम से आज भूपेश बघेल की सरकार का पुतला दहन किया गया है। ये पूरे प्रदेशव्यापी पुतला दहन का कार्यक्रम है, सभी जिला मुख्यालय में किया गया है। फिलहाल छत्तीसगढ़ की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।